हाथरस में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ मची। भगदड़ में काफ़ी लोगों का मरने की बात बताई जा रही, हालांकि 27 बॉडी अभी तक एटा हॉस्पिटल आ चुकी हैं। यहां पर लोग हैं, चीत्कार मचा हुआ है, क्रंदन हो रहा है। यहां पे पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मौके पर लगा हुआ है। अभी जो है, हालांकि बॉडी और आने की संभावना है। हमारे साथ इस समय माता जी हैं, जो कि उस समय भोले बाबा के सत्संग में थी और प्रत्यक्षदर्शी हैं इस पूरी घटना की। हम बात कर लेते कि बात आखिर ये घटना कैसे हुई। अम्मा, क्या नाम, क्या है आपका नाम? क्या है? मेरा शकुंतला। हाँ, अम्मा क्या हुआ था एक्चुअल, सत्संग किसका हो रहा था? ये भोले 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 कहता है। हाँ। भोले बाबा को सत्संग है, वो सत्संग खत्म है वो। हाँ। अब एकदम हतकाए, सत्संग खत्म है कि भागे। हाँ। तो एकदम घुड़दौड़ पड़ गई माँ नालो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मरे दब दब के नैया। घंटा दो घंटा दबे रहे तो और क्या हुआ। तो क्या भगदड़ मची थी तो नाले में लोग गिर गए थे? हाँ, ऐसे आगे वाले गिरते गए, फिर पीछे वाले गिरते गए, ऊपर थे हतकाए। तो कितने लोग हो सकते हैं जो मरने वालों में, जो संख्या क्या हो सकती है, आपको कुछ अनुमान है? अब मुझे क्या मालूम है कि मैं लेकर आई हूँ, आगे देखो खींच रही हूँ। ये कितने बजे की बात है, ये कितने बजे का मामला है? एक डेढ़ बजे को होगा, 11 बजे तो हम आए हुए हैं यहाँ। तो ये कब से चल रहा था सत्संग? मुझे तो मालूम नहीं, आज ही आए बताता है भोले बाबा ने, आज मंगलवार है ना, आज ही आए। अच्छा, तो ये जब पूरा सत्संग खत्म हो गया था तब की ये घटना? हाँ, खत्म हो गया बिल्कुल। जब एकदम ऐसे चलते हैं ना, तो चले तो एकदम हटकाए नाले में, एक ते एक, एक ते एक ऊपर एक, ते ऊपर एक, ऐसे करके। हाँ, ऐसे भैया घटना। आपके यहाँ कोई आपका परिजन भी है या आप खाली? नहीं, मेरी हटा है पड़ोसी ने, गंगा देवी नाम की। वो क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई है। हाँ, मैं निकाल दी, फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने को पहचान ली। हाँ, जी मेरे संग की। अच्छा, भगदड़ में आपकी दब गई थी या आप पीछे थी, मतलब लोग आगे जो? दब तो गई मैं हूँ, फिर ऐसे को खींच रहे ना, ऐसे खींच रहे। आपको खींच लिया? हाँ, खींच ली मैं, अटका। तो बिल्कुल, ये जो जो बताना है कि वहाँ उस समय भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, लाखों की भीड़ थी, और उस सत्संग को खत्म होने के बाद लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे, जिसकी वजह से भगदड़ मची। और भगदड़ में जो आगे महिलाएं और बच्चे या जो पुरुष थे, वो उस भगदड़ में जो है गिर गए। एक नाला बताया जा रहा है, जो वहां पर एक नाला था, उस नाले में लोग गिरते चले गए, जिसकी वजह से जो मरने वालों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है।